राजधानी देहरादून के नवनियुक्त जिलाधिकारी सविन बंसल इन दिनों एक्टिव मोड पर हैं। बता दें कि जिलाधिकारी इन दिनों कोरोनेशन अस्पताल समेत नगर निगम के साथ ही अन्य विभागों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। ऐसे में जिलाधिकारी ने नगर निगम में ऑटोमेटिक पार्किंग को लेकर बात कही है, जिसको लेकर भाजपा विधायक विनोद चमोली ने जिलाधिकारी को नसीहत दे डाली। विनोद चमोली ने कहा कि नगर निगम एक हेरिटेज बिल्डिंग है, ऐसे में नगर निगम को लेकर जो भी फैसला लिया जाता है वह नगर निगम बोर्ड के द्वारा लिया जाता है। इसके आगे उन्होंने कहा कि उनके सामने भी इस तरह की बात आई है, लेकिन तब उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि नगर निगम का स्वरूप ना बिगड़े। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। नगर निगम के बारे में कोई भी निर्णय जिलाधिकारी को जल्दी में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बोर्ड के चुनाव तुरंत होने जा रहे हैं। जो भी निर्णय ले वो बोर्ड को लेना चाहिए, क्योंकि बड़े मामले हैं। ये सब मसले मेरे सामने भी आए थे। नगर निगम एक हेरिटेज बिल्डिंग है, देहरादून का सेंटर है, उसमें छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। और मैंने ये कहा था अगर पार्किंग होनी है तो फिर हमको अंडरग्राउंड जाना पड़ेगा, और अंडरग्राउंड बेसमेंट पार्किंग का वहाँ पर प्रोविजन हो सकता है, लेकिन ऊपर का स्वरूप न बिगड़े ये सुनिश्चित करना पड़ेगा। इसलिए कोई भी जल्दीबाजी में कदम न उठाए, और मैं तो सरकार से भी कहूंगा कि जितने का काम के उनको भेजा गया उतने काम तक अपने आप को सीमित रखें, बाकी बोर्ड को करें।